हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रशियन प्रीमियर लीग के मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाए यहाँ से स्पार्टक मॉस्को और सोची के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। और गाइस बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, और गाइस वो कौन से प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट गोल करता है इन दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन पर काफी लो सिलेक्शन रहेगा और उन्हें आप अपनी स्मॉल लीग टीम में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन बना सकते हो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद और प्लेयर का कंप्लीट रिकॉर्ड देखने के बाद। तो गाइस सबसे पहले नजर डालते हैं इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस पर। उससे पहले गाइस स्पार्टक मॉस्को प्रीवियस सीजन में इसी लीग में सेकंड पर फिनिश की थी, मतलब अटैकिंग वाइज इस टीम का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी बेहतरीन था और उससे भी बेहतरीन इस टीम का डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस देखने को मिला था प्रीवियस सीजन का अकॉर्डिंग। अब गाइस बात करें एफके सोची प्रीवियस सीजन, इसने इसी लीग में मतलब रशियन प्रीमियर लीग में फिफ्थ पर फिनिश किया था। तो अटैकिंग वाइज इस टीम का जो परफॉर्मेंस था आप मान सकते हो कि ये टीम एक हल्की टीम के सामने प्रत्येक मैच में कम से कम दो गोल भी कर सकती है, लेकिन बेहतर टीम के सामने इसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं कि प्रत्येक मैच में गोल कर पाई, लेकिन एवरेज इस टीम का रहा था डिफेंसिव वाइज भी और अटैकिंग वाइज भी। अब गाइस बात करें इन दोनों टीमों में अगर किस टीम को हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम में फेवरेट टीम मान के चले, तो गाइस मैं यहाँ से स्पार्टक मॉस्को को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस था प्रीवियस सीजन वो काफ़ी बेहतरीन था और जब ये अपना होम ग्राउंड में खेलती है तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो तो देखने वाले लायक रहता है, क्योंकि इस टीम का अब परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज डबल हो जाता है अपने होम ग्राउंड, और डिफेंसिव वाइज तो गोल कंसीड भी नहीं करती, कहने के एक गोल कंसीड कर देती वो भी एक बेहतर टीम के सामने। आप मान सकते हो सोची भी एक एवरेज टीम है, उस टीम के सामने कहीं ना कहीं इस मैच में एक टीम गोल कंसीड कर सकती है। तो गाइज इसीलिए मैं यहाँ से स्पार्टक मॉस्को को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन गाइज बात करें इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैच के बारे में, तो गाइज इन दोनों टीमों के बीच में पिछले 5 हेड टू हेड मैच हुए, जिनमें से स्पार्टक मॉस्को ने 2 मैच विन किए हैं और 1 मैच ड्रॉ भी खेला, बल्कि 2 मैच इस टीम ने लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज स्पार्टक मॉस्को सोची के सामने 1.4 गोल पर मैच स्कोर करते हैं, मतलब 1 या 2 गोल पर मैच स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, 2 मैच में 1 ही गोल कंसीड करती है इस टीम के सामने। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था, उस मैच को यहाँ स्पार्टक मॉस्को 4-0 से विन कर गई थी और अपने होम ग्राउंड में खेला था वो मैच स्पार्टक मॉस्को ने। तो गाइज आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि ये टीम जब अपना होम ग्राउंड में खेलती है तो कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस रहता है इस टीम का अटैकिंग वाइज, और डिफेंसिव वाइज भी जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। लेकिन उससे पिछले मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में अगेन मैच हुआ, उस मैच को यहाँ से सोची 1-0 से विन कर गई थी अपने होम ग्राउंड में, लेकिन उससे पिछले मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में अगेन मैच हुआ, उस मैच को यहाँ से 2-2 का ड्रॉ देखने को मिला, मतलब दोनों टीमों की तरफ से अटैकिंग वाइज गोल भी हुए और डिफेंसिव वाइज दोनों टीमों की तरफ से 2-2 गोल कंसीड भी किए गए, लेकिन उससे पिछले मुकाबले फिर यहां से सोची 1-0 से विन कर गई, और यहां से अगेन इन दोनों टीमों बीच मैच और उस मैच को स्पार्टक मॉस्को अपने होम ग्राउंड में इसी टीम के सामने 1-0 से विन कर गई। तो गाइस अटैकिंग वाइज स्पार्टक मॉस्को का जो परफॉर्मेंस इस टीम के सामने काफी बेहतरीन रहा, अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में गोल करती है लेकिन डिफेंसिव वाइज जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, कभी कभी एक गोल पर मैच कंसीड कर देती है। तो गाइस हेड टू हेड में तो यहां स्पार्टक मॉस्को का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा अटैकिंग वाइज और डिफेंसिव वाइज, तो इसीलिए मैं यहां स्पार्टक मॉस्को को एक फेवरेट टीम मानकर चलता हूं। लेकिन गाइस बात करें इन दोनों टीम जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर परफॉर्मेंस है उसके बारे में, तो सबसे पहले नजर डालते हैं स्पार्टक मॉस्को को जो रिसेंटली परफॉर्मेंस है उसके बारे में। तो गाइस स्पार्टक मॉस्को ने रिसेंटली 6 मैच खेले जिनमें से 2 मैच विन किए, 1 मैच ड्रॉ खेला, बल्कि इस टीम ने 3 मैच लॉस भी किए फिलहाल के टाइम पर। अटैकिंग वाइज 0.7 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंसिव वाइज 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया, मतलब 0.7 ये टीम प्रत्येक 2 मैच में सिर्फ 1 ही गोल कर रही फिलहाल के टाइम पर, और डिफेंसिव वाइज कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में 1 गोल कंसीड कर देती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच स्पार्टक मॉस्को आर्सेनल तुला के सामने 1-1 से मैच को ड्रॉ खेलकर आ रही, अटैकिंग वाइज 1 गोल किया लेकिन डिफेंसिव वाइज भी 1 गोल कंसीड कर दिया, और उससे भी मुकाबले स्पार्टक मॉस्को अपने होम ग्राउंड में उराल के सामने 1-0 से विन करके आ रही, अटैकिंग वाइज 1 गोल किया अपने होम ग्राउंड में लेकिन डिफेंसिव वाइज गोल कंसीड नहीं किया, लेकिन उससे पिछले 3 मैच ये टीम 2-0 लॉस, 2-1 लॉस और फिर अगेन इस टीम ने 2-0 लॉस, लेकिन 2 मैच तो बेनफिका के सामने हारे यूएफए चैंपियनशिप लीग में और 1 मैच इस टीम ने निज़ के सामने हार लिया, और उससे पहले मुकाबले ये टीम 1-0 से विन भी किए। तो गाइस परफॉर्मेंस इस टीम का अपना होम ग्राउंड में अच्छा रहता, और अगर 2 मैच ये हटा भी दिए जाएं तो इस टीम का जो परफॉर्मेंस आप अच्छा मान सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर आपको टिक करने वाला हूँ होम पर। अब
मैं होम पर टिक करूंगा तो आपको यहाँ पर नज़र डालना, मतलब इस रिकॉर्ड पर नज़र डालना, जो आपको एल दिख रहे हैं ना वो एल नहीं दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जब ये अपना होम ग्राउंड में खेलती है तो आप देख सकते हो यहाँ से इसका अटैक वाइज परफॉर्मेंस डबल हो जाता है और डिफेंस वाइज जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। तो यही एक वजह है कि स्पार्टक मॉस्को को एक फेवरेट टीम मानने का, तो इसीलिए मैं यहाँ स्पार्टक मॉस्को को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। अब गाइस बात करते हैं जो एफ के सोची का जो रिसेंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में। तो गाइस सोची ने रिसेंटली 6 मैच खेले हैं जिनमें से 3 मैच तो विन किए हैं और 1 मैच ड्रॉ भी खेला, बल्कि 2 मैच इस टीम ने लॉस भी किए हैं। अटैक वाइज 1.7 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस वाइज 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। मतलब अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 या 2 गोल पर मैच स्कोर कर देते, लेकिन डिफेंस वाइज जल्दी से गोल कंसीड नहीं करते। एक बेहतर टीम के सामने पर मैच में 1 गोल कंसीड कर देती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच एफके सोची 1-0 से लॉस करके आ रही है, तो गाइस इसका जो परफॉर्मेंस है पिछला मैच में काफी डाउन था, तो वहां पर ये टीम लॉस करके आ रही है, तो मनोबल तो नीचा हुआ है उस मैच में इस टीम का। लेकिन उससे पहले मुकाबला खिमकी के सामने ये टीम अपना होम ग्राउंड में 3-0 से विन कर गई, और उससे पहले मुकाबले ये टीम 2-2 से मैच को ड्रॉ खेला, लेकिन बाद में पेनल्टी में मैच गया और पेनल्टी में ये टीम 4-2 से लॉस कर गई। और उससे पहले मुकाबले सोची 1-2-0 से अगेन विन, और यहाँ से 1-1 से ड्रॉ भी खेला, और फिर इस टीम ने 2-1 से विन भी किया। तो गाइस सोची का जो परफॉर्मेंस है अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में कहीं ना कहीं 2 गोल पर मैच स्कोर कर देती है, और डिफेंस वाइज भी कहीं ना कहीं 1 गोल पर मैच कंसीड कर देती है। तो गाइस रिसेंट फॉर्म सोची का भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो गाइस अब बात आती है इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है हमारी शामोली टीम बनाने के लिए ड्रीम 11 पर। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीम को हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीम को रिसेंट फॉर्म पर नजर डाली। तो गाइस हेड टू हेड में क्या चीज देखने को मिलती है कि दोनों टीमें जब भी खेलती हैं तो अटैकिंग वाइज दोनों टीमों की तरफ से कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में गोल हो जाते हैं, और डिफेंस वाइज भी कहीं ना कहीं दोनों टीमों की तरफ से गोल कंसीड किए जाते हैं। लेकिन जब स्पार्टक मॉस्को इस टीम के सामने अपने होम ग्राउंड में खेलती है तो अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है, लेकिन डिफेंस वाइज गोल कंसीड नहीं करती। तो गाइस आप यहां से ये समझ सकते हो। अब बात करें रीसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग इन दोनों टीमों जो परफॉर्मेंस उसके बारे में। तो गाइस सोची फिलहाल के टाइम पर प्रत्येक मैच में कम से कम 2 गोल पर मैच स्कोर करती है रीसेंट के अकॉर्डिंग, और डिफेंस वाइज कहीं ना कहीं 1 गोल कंसीड कर देती है। लेकिन स्पार्टक मॉस्को जो परफॉर्मेंस है रीसेंटली पिछले 3 मैच देखा जाए तो अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस रहा है, प्रत्येक मैच में 1 ना 1 गोल कर ही रही, लेकिन डिफेंस वाइज कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में गोल कंसीड भी कर देती है। तो गाइस इसीलिए इन तीनों चीजों को एक साथ मद्देनजर रखते हुए इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन, मुझे लगता है कि स्पार्टक मॉस्को इस मैच में फेवरेट टीम है, तो उस कंडीशन के अनुसार 2 गोल कम से कम करना चाहिए स्पार्टक मॉस्को को, और एफके सोची को भी 1 गोल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो परफॉर्मेंस एफके सोची का रिसेंटली वो काफी बेहतरीन है अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी। तो मुझे लगता है कि इस मैच में स्कोर लाइन 2-1 हो सकता है, और 2-1 के प्रेडिक्शन के अनुसार ही हम अपने ड्रीम 11 टीम क्रिएट करेंगे ड्रीम 11 पर। उससे पहले बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नजर डालते हैं स्पार्टक मॉस्को के प्लेयर्स के बारे में, फिर गाइस बात करेंगे एफके सोची के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए। तो नजर डालते हैं मॉस्को के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक लाल बटन को नहीं दबाया, मतलब आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करना। और हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो को सबसे ऊपर वाले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और लिंक के माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका यही है हमसे जुड़ने का। अगर आप सर्च करके ज्वाइन करोगे ना तो नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बन चुके हैं अपने चैनल के नाम से, और फेक चैनल सर्च करने पर सबसे ऊपर आते हैं। तो इसलिए आप लिंक के जरिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और ताकि आप हमारे एक्चुअल चैनल पर आ पहुंचे। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की, प्लेयर वाइज कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किया। तो सबसे पहले नजर डालते हैं स्पार्टक मॉस्को के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस स्पार्टक मॉस्को टीम की तरफ से प्रीवियस सीजन जो हाईएस्ट गोल टेकर जॉर्डन लार्सन, जो कि इस टीम की तरफ से 15 गोल किए थे प्रीवियस सीजन में, और फिलहाल के टाइम पर भी ये प्लेयर 1 गोल कर चुका है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। इन्हें आप अपनी टीम में पिक करके चलना एज ए कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन, और इसका ड्रीम 11 पर सिलेक्शन भी काफी लेस है। तो गाइस एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, टिप्स बेहतरीन है इसका अंदर। वहीं पर बात करें सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर इस टीम की तरफ से अलेक्सेंडर शोबोलिव, जिसने 14 गोल के प्रीवियस सीजन में और 5 गोल इस टीम तरफ से पैनल टीम के। तो ये इस टीम तरफ से फर्स्ट चॉइस पैनल टेकर और सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर, तो इस कंडीशन में ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात आती है पॉन्स की, भैया ये रिसेंटली 2 गोल कर चुका है 2 मैच में, लेकिन उससे पिछले इसने 18 मैच में सिर्फ 4 ही गोल किए थे। इसका सिलेक्शन काफी हाई है ड्रीम 11 पर। अब आपकी चॉइस रहेगी कि इन 3 में से आप किन 2 को पिक कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब देखा जाए तो यहां से टॉप 2 बेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि सोबोलो और लार्सन, इनमें
पोटेंशियल है असिस्ट करने की और पॉन्स सिर्फ गोल कर सकता है। तो मैं यहां से मान के चलता हूं कि पॉन्स को ड्रॉप करें और सबोलिव और लार्सन इन दो को अपनी टीम में जगह दे के चले। अब आपकी चॉइस रहेगी कि थर्ड प्लेयर आपको इसको पिक करते हुए नहीं करते, लेकिन सेंटर फॉरवर्ड में ये तीनों दे रखे हैं तो हम ड्रीम इलेवन पर सिर्फ तीन प्लेयर पिक कर सकते हैं। अब एक प्लेयर हमें सोची की ओर से चाहिए, तो उस कंडीशन में पॉन्स को मैं फिलहाल के लिए इग्नोर करके चल रहा हूँ। वहीं बात कर रहा हूँ विक्टर मोसेस, ये भैया ऐसा प्लेयर है लॉन्ग शॉट से बॉल मतलब गोल करता है और असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी लो है, लेकिन इंटरसेप्शन टैकल का पॉइंट देता है। अगर गोल नहीं करेगा तो कम से कम 15 पॉइंट देने की क्षमता रखता है। तो आप चाहे तो इसे पिक करके चल सकते हो, सेफ पिक है, फिलहाल के लिए मैं भी पिक करके चलाऊँ। लेकिन सैमुअल गिगोट ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, यह आपको हेडर में कभी भी गोल करके दे सकता है और यह आपको डिफेंडर में देखने को मिलेगा, इसका सिलेक्शन वेरी लेस, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। अगर आपको लगे कि स्पार्टक मॉस्को इस मैच में एक लो स्कोरिंग मैच को विन कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में सैमुअल एक इंपॉर्टेंट कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन का दावेदार रहेगा। वहीं बात करें प्रोमाइस खेलने का चांस कम है, आयटन ये भी खेलने का चांस कम है, आयटन कारा है जिसने अभी रिसेंटली एक असिस्ट किया है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, और असिस्ट पोटेंशियल नहीं तो इसके अंदर कम से कम डिफेंसिव पॉइंट देने की तो है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। और कोकोरिन और बाकी जो भी प्लेयर्स उन सभी का आप सामने रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना। रोबान जोबनिन जो कि फिलहाल के टाइम पर एक गोल कर चुका और प्रीवियस सीजन इस टीम तरफ से इसने काफी मैच खेले और उनमें सिर्फ एक ही गोल आया इस टीम की तरफ से। और यहां से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैंने फिलहाल के लिए उन सबको टिक किया हुआ, मतलब इन दो में से मतलब इन तीन में से दो पिक करना, मैं टॉप टू को पिक करके चलाऊं। और यहां से विक्टर मोसेस इंपॉर्टेंट रहेगा, सैमुअल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा और बाकी का सभी का आपके सामने रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं असिस्ट के मामले में टीम तरफ से कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं, तो एक बार नजर डाल। हाँ तो गाइज असिस्ट के मामले में टीम तरफ से लार्सन जिसने 5 असिस्ट और हाईएस्ट गोल टेकर, तो इसलिए मैं अपनी टीम में इसे जगह दे के चलाऊँ एज ए कैप्टन के तौर पर। तो गाइज फिलहाल के लिए टीम का कैप्टन है, अब चाहे गोल मारे ना मारे वो बात अलग है, लेकिन कि पोजीशन अगर इसकी आउट ऑफ गोल चली गई तो उस कंडीशन में इसको ड्रॉप कर सकता हूँ, वरना कोई चांस नहीं है। वहीं बात करें सेकेंड हाईएस्ट गोल टेकर इस टीम तरफ से सोबोलिव जिसने 4 असिस्ट किए और सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर, तो इसलिए मैंने इसको पिक कर चलाऊँ। अब यहाँ से पॉन्स है जिसने 1 असिस्ट निकाला सिर्फ 9 गोल किए, तो आपके हिसाब से ये प्लेयर अच्छा है या 2 प्लेयर अच्छा है वो आपकी चॉइस रहेंगी, लेकिन मेरे हिसाब से 2 अच्छे हैं। और यहाँ से जैमिल मतलब जालिम खान, नाम भी थोड़ा सा अजीब है, जालिम खान बकेव जिसने 4 असिस्ट के प्रीवियस सीजन में, और आप चाहे तो इसे पिक कर सकते हो। एलेक्स कैराल जो कि फिलहाल टाइम पर 1 गोल और 2 असिस्ट कर चुका और इंटरसेप्शन टैकल का पॉइंट भी काफ़ी अच्छा देता है, तो मतलब आप मान सकते हो कि बिना गोल के 20 पॉइंट देने की क्षमता रखता है। तो उस कंडीशन में आप अगर आपको लगे कि हाँ भैया आज भी सोची गोल करेगी, तो उस कंडीशन में आपके लिए डिफरेंशियल पॉइंट्स हो सकता है, मतलब प्लेयर अच्छा हो सकता है कि अगर आपको लगे कि ये प्लेयर गोल नहीं करेगा तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा पॉइंट दे जाएगा। बाकी जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आप सामने रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना। विक्टर मोसेस प्रीवियस सीजन में 4 गोल 2 असिस्ट, तो इसलिए मैं इसको पिक करके चलाऊँ। बाकी का आप सामने सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं जो सेकंड टीम है सोची, जो उसके प्लेयर्स हैं उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए, तो नज़र डालते हैं सोची के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस प्रीवियस सीजन में सोची टीम तरफ जो फिलहाल टाइम पर मतलब प्रीवियस सीजन हाईएस्ट गोल टेकर था क्रिस्टियन नोबोआ जिसने 12 गोल किए थे, लेकिन 6 गोल इस टीम तरफ से पैनल टीम किए, तो उस कंडीशन में इस टीम तरफ फर्स्ट चॉइस पैनल टेकर है और फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। एंटन जवो लोटनी जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर प्रीवियस सीजन इस टीम तरफ हाईएस्ट गोल टेकर है, तो उस कंडीशन में ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो इन्हें भी आप पिक करके चलना। और आर्थर यूसुफो जो कि 7 गोल कर चुका, और यहाँ से बुरमिस्ट्रो, बाकी यहाँ से तारेक है, और यहाँ से मिहा, और जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड है आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहता है ना, तो इन दो को तो आप अपनी टीम में जरूर से जरूर पिक करके चलना, कोई कुछ पता नहीं भाई कौन सा गोल मार जाए, तो उस कंडीशन में हम दोनों को सेव करके चलेंगे। तो गाइस बाकी का आपके सामने सभी का रिकॉर्ड है आप स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन एक इवान नाम से है और रिसेंटली उसने 4 मैच खेले और 4 मैच में से 4 गोल किए, और उस टीम तरफ से फिलहाल टाइम पर उसने 1 पेनल्टी में गोल किया, तो कहीं ना कहीं वो भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, उसके बारे में मैं आपके लिए बता दूंगा। अब बात करते हैं असिस्ट मामले इस टीम तरफ कौन से प्लेयर निकल कर आता है, तो एक बार नज़र डाल। हाँ तो गाइज असिस्ट के मामले इस टीम तरफ से नोबोआ जिसने 7 असिस्ट 14 गोल, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, आप चाहे तो इसे वाइस कैप्टन दे सकते हो, जनता इसको दे भी रही है, तो मुझे लगता है कि स्पार्टक मॉस्को अच्छे से विन कर जाएगी उस मैच को, तो शायद इसको वाइस कैप्टन देने की जरूरत नहीं रहेगी। वहीं बात करें मार्गोशो जो कि असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई रखता है और सोची का प्लेयर ही आपको डिफेंडर में देखने को मिलेगा, लेकिन स्पार्टक मॉस्को अपनी पूरी तरह इस मैच में बॉल पर पोजीशन रखेगी, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं इसका चांस कम है असिस्ट आने का। एंटन जबोलेटनी जो कि गोल
बस आशीष दोनों में कंट्रीब्यूट है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, बाकी जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन। हमने 2 गोल यहाँ से स्पार्टक मॉस्को रखा और 1 गोल यहाँ से हमने सोची रखा, और 2-1 के प्रेडिक्शन के अनुसार हम अपनी ड्रीम टीम क्रिएट करेंगे ड्रीम 11 पर। और याद रहे इन्वेस्ट वेरी लेस, क्यों? क्योंकि भैया रशियन प्रीमियर लीग है और रिजल्ट का कुछ पता ही नहीं रहता, यहाँ पर कभी तो हाई स्कोरिंग मैच हो जाता है, कभी कुछ मतलब गोल ही नहीं होते दोनों मैच में, क्या यार। और पता है आजकल क्या हो रहा, जिस मैच को हम कवर कर रहे हैं अरे भैया एल लगे हुए हैं, तो गाइस इन्वेस्ट मतलब संभल के ही करना। अब बात करते हैं इस मैच की टीम क्या रहने वाली है ड्रीम 11 पर अपनी। तो गाइज फिलहाल के लिए ये टीम है, लार्सन को कैप्टन रखा, वाइस कैप्टन सोबो लिव को रख के चले हैं, और यहाँ से विक्टर मोसेस को रख के चले हैं, और जॉब निन को इसलिए पिक किया क्योंकि इसने 3 असिस्ट प्रीवियस सीजन किया, 1 गोल किया, लेकिन फिलहाल के टाइम पर 1 असिस्ट कर चुका, 1 गोल कर चुका। और यहाँ से इवान पोपो, इसको क्यों पिक किया भैया, इसका कोई मतलब कोई रिजल्ट देखा ही नहीं तूने, अरे भैया इसका सिलेक्शन चाहे मत हो लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है रिसेंटली वो अच्छा है, तो इसलिए हम पिक कर चलें। फोरोखिन को पिक कर चलें, लेकिन याद रहे ये सिर्फ कुछ ऐसे और प्लेयर हैं इस मैच में जिनको हम पिक नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि क्रेडिट की प्रॉब्लम काफ़ी हाई है, तो गाइज हमें ने वो प्लेयर चाहिए भी जो उनका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन कुछ 1-2 प्लेयर और भी रहे हैं जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, उनको हम पिक नहीं कर पाए। तो गाइज फाइनल टीम आपको इस मैच की लाइनअप के आने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलेगी, लेकिन फाइनल टीम ये क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि भैया ये अभी कोई प्लेयर की पोजिशन नहीं आई, मतलब लाइनअप नहीं है कि कौन से प्लेयर कौन सी पोजिशन खेलेगा, उसका अकॉर्डिंग जो टीम रहेगी वो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल मिलेगी, जिसका लिंक हमने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो को सबसे ऊपर वाले कमेंट में दिया हुआ, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और याद रहे लिंक के जरिए ज्वाइन करना, सर्च करके ज्वाइन करोगे ना बहुत सारे फैंक चैनल हैं, तो यार उन सबसे बचने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप वीडियो को लिंक और सबसे ऊपर वाला कमेंट, इन दोनों में से किसी एक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और लाल बटन नहीं दबाई तो यार इसको जरूर दबा देना, क्योंकि नेक्स्ट जो भी आने वाले मैच है फुटबॉल में वो आपको मैं हमेशा कवर करने की पूरी कोशिश रहती है और शिद्दत से कवर करता हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और नए हो तो टेलीग्राम जुड़ना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच और हमें सपोर्ट करने के लिए दबा दो लाल।